वेलकम फ्रेंड्स, बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ इंजन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे क्या होता है। यहाँ देखिए, मेरे पास है एक कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है? एक कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के बारे में आपको बताए थे कि पिस्टन और ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करने का काम करता है ये कनेक्टिंग रॉड। यहाँ देखिए, ये जो स्मॉल ये जो होल है, ये छोटा वाले होल को हम बोलते हैं स्मॉल इंड आई और बड़ा वाले होल को बिग इंड आई। ये जो छोटा वाला होल है वो पिस्टन के साथ कनेक्ट रहता है और ये बड़ा वाला होल क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है। और ये जो पिस्टन और ये कनेक्टिंग रॉड, ये जो पिस्टन हुआ कनेक्टिंग रॉड से अटैच रहता है और इसमें जो पिन लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पिस्टन पिन, जिसको हम लोग गजन पिन भी बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला जो होल है ना, वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, अभी जैसे देखिए इसको खोल के देखते हैं, कनेक्टिंग रॉड को खोल के देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं ना, ये अंदर में जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम सीआर बेयरिंग। इसका फुल फॉर्म होता है कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग, जो कि क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। इसमें भी ये देखिए, ये वाला जो बेयरिंग है ना, इस बेयरिंग को बोलते हैं हम सीआर बेयरिंग, कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग। ये खुलेगा, अभी खोल के दिखाते हैं। सीआर बेयरिंग, कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग, जो कि कनेक्टिंग रॉड के बिगिन आई से क्रैंकशाफ्ट के बीच ये कनेक्ट रहता है और इसके बीच में जो ये बेयरिंग फिट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आ गए, ये कनेक्टिंग रॉड होगा। ठीक, अब हम जानते हैं ये हमारा पिस्टन है। ये क्या है? हमारा पिस्टन। ये पिस्टन में तीन ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये ऊपर वाला जो दो देख रहे हैं ना, ये पिस्टन रिंग, ये ऊपर वाले रिंग को हम बोलते हैं, दो रिंग को बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। और नीचे वाला जो इस टाइप का जो है ना, इस ऐसे 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 चूड़ी टाइप का होता है, रिंग के जैसा लगता है, तो इसको बोलते हैं वाइल कंट्रोल रिंग। सबसे नीचे जो होता है वाइल कंट्रोल रिंग का क्या काम है? तो इंजन वाइल को जो सिलेंडर में क्या होता है, इंजन वाइल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है ना, लुब्रिकेट करता है, तो सिलेंडर वाल्व में जो इंजन वाइल होता है उसको स्क्रैप करता है, नीचे की धकेलता है, स्क्रैपिंग करना, ऊपर लगाना और नीचे की ओर स्क्रैप करना, स्क्रैपिंग करने का काम ये वाइल कंट्रोल रिंग करता है। ठीक है, ये पिस्टन है, इसी होल के बारे में मैं बता रहा था, इसी होल को बोलते हैं पिस्टन। इसी होल में क्या लगता है? पिस्टन पिन, जिसको हम गजन पिन भी बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा पिस्टन हुआ। और ये जो ऊपर में होता है, यहाँ वॉल्व होता है, वॉल्व फिट होता है, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व, यही हमारा जो इसी पे फ्यूल का बर्न होता है, एक्सप्लोजन जो होता है ना, विस्फोट जो होता है, आग जो लगता है सिलेंडर में, पावर स्ट्रोक में, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन ऑफ स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक जो हमारा होता है, तो फ्यूल का जो बर्निंग होता है ना, यही में इसी में, इसी के ऊपर इसी हेड पे फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है। और यही प्रेशर लगने के बाद क्या होता है, पिस्टन टीडीसी से जो करता है, ठीक है, सक्शन में बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। सक्शन में क्या होता है, बीडीसी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की ओर शक करता है, नीचे की ओर। ठीक है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी ऊपर की ओर, और पावर स्ट्रोक में जो
पेट्रोल रहेगा तो क्या होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगी, और अगर डीजल इंजन है तो सिर्फ फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आएगा। और उसके जो हेड पे क्या लगा रहेगा, डीजल इंजन में इंजेक्टर लगा रहेगा, लेकिन पेट्रोल में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। और एयर और फ्यूल का जो कॉम्बिनेशन तैयार करता है कौन, तो कार्बोनेटर, ठीक है। यहीं पे हमारा एक्सप्लोजन होता है, इसी सिलेंडर के सबसे टॉप पोजीशन पे जो एक्सप्लोजन होता है ना, इसको कम्बशन चैम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्बशन चैम्बर। क्लियर है, पिस्टन के बारे में समझ में आ गया। अब रिंग के बारे में थोड़ा और हम बेहतर तरीके से दिखा देते हैं। बड़ा सिलेंडर का हमारे पास रिंग, बड़ा सा इंजन का, ये देखिए, यही हमारा रिंग है, ये तीन रिंग है। अब ये जो तीन रिंग है, मेनली रिंग जो होते हैं पिस्टन रिंग दो टाइप के होते हैं। मेनली क्या होते हैं, पिस्टन रिंग दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंप्रेशन रिंग, दूसरा होता है वाइल कंट्रोल रिंग। अभी देखिए कंप्रेशन रिंग, देखिए इस टाइप का जो दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रिंग, ये दोनों कंप्रेशन रिंग। अब देखिए वाइल कंट्रोल रिंग हमारा ये इस तरह का होता है, चूड़ी के टाइप का, एकदम रिंग के जैसा होता है। वाइल कंट्रोल रिंग, नाम से रिंग, वाइल कंट्रोल रिंग, रिंग के जैसा ऐसे 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 स्प्रिंग के टाइप का बना होता है, इसको बोलते हैं वाइल कंट्रोल रिंग, वाइल कंट्रोल पिस्टन रिंग, और ये कंप्रेशन रिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशॉप विजिट करेंगे, वर्कशॉप में जाएंगे, और बिल्कुल मतलब कि इंजन ओवरहॉल किया हुआ रहेगा, उसके बारे में हम और भी एसपीएस के बारे में हम जानेंगे, पार्ट्स के बारे में, इंजन के पार्ट्स के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।